हेलो दोस्तों, स्टार वी ई एग्जाम्स ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं पिने सर अपने चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा क्योंकि बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, यानी खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक साथ जुट होकर के इस डिजिटल क्रांति में सबका सहयोग देंगे। हमारे जितने भी एग्जाम्स चैनल्स हैं, एग्जामपुर, अनअकैडमी, टेस्टोनिक, मैथ मास्टरी, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, जितने भी सपोर्टेड टीचर हैं, सभी लोग एक साथ खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि जो भी एग्ज़ाम्स, जो भी नोटिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन करा करके एग्ज़ामों का छोड़ दिया गया है, उनके माध्यम से आप देखेंगे इसमें सभी विद्यार्थियों को, सभी गार्जियंस को, सभी रिलेटिव्स को साथ में आना पड़ेगा। और डिजिटल क्रांति की मुहिम लास्ट तक चलानी होगी, जब तक हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो अभी भी यह क्रांति चल रही थी। अभी कल मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स, हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे प्रिय शिक्षक हैं, उन्होंने मुहिम चलाई थी। तो एसएससी का रिजल्ट कल कुछ डिक्लियर हो गया था। उन्होंने बताया इस तारीख को यह डेट इशू दिया है ताकि इस तारीख को हम डेट करा लेंगे, यानी रिजल्ट शो कर देंगे। तो आप लोग सोचिए कि कोई भी वैकेंसी क्यों नहीं क्लियर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति की कोई रूल ही नहीं सही है। मैं मानता हूँ, अभी शिक्षा की नई पॉलिसी आई थी, आपने देखा कि उसमें इन्होंने कहा था कि हम सीईटी करा लेंगे, पीटी कराएंगे। मैं मानता हूँ आप सीईटी और पीटी करा देंगे, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षा नीति में सबसे पहले डेट को तो इश्यू कीजिए। जो बच्चे तीन तीन साल, चार चार साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है। कब रिजल्ट होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब ज्वाइनिंग लगेगी, कुछ पता नहीं है। सभी बच्चे रिवीजन कर करके थक चुके हैं। तो इस तरह से सभी जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम इस बात की मुहिम को लास्ट तक पहुंचा सकें। इसमें सबको एक साथ मिलकर के खड़ा होना है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी सा, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें बेरोजगारी से मतलब है। हम बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि हम शांत पड़े रहते हैं। हमें शांत नहीं पड़ना है इन सब से। अभी तक तो चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। आइए एक साथ जुट होते हैं और इसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। जो भी चैनल्स हैं, आप चाहे टेक्नोलॉजी चैनल हो या कॉमेडी चैनल हो या कुछ भी हो या एजुकेशनल चैनल हो, इसमें सभी लोगों को भागीदारी देना है। क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारे भी रिलेटिव उनके साथ हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एक भविष्य होता है। तो कोई भी चैनल पीछे ना रहे, सभी लोग साथ में आए और साथ में मुहिम को चलाएं। हमें किसी के यहाँ ईंट पत्थर नहीं चलाना, हमें डिजिटल क्रांति चलाना है। आवर एग्जाम आवर राइट। एग्जामपुर चैनल में हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, टेस्टोनिक में हैं, अन अकेडमी में हैं, मैथ मस्ती वाले सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है ताकि हम लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो क्यों पीछे हैं? अभी तक कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि करें कि नहीं करें। तो हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा। आज़ादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया, सुखदेव ने दिया। तो इस तरह से हम बैठे नहीं रहेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हम यह बात मोदी तक, लास्ट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वह हमारी बातों को सुनेंगे। आज का जो भी दौर चल रहा है, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन चल रहा है,
ऐसे कब तक चलेगा? क्या कोरोना के समय में और कोई कार्य नहीं हो पा रहा है? राजनीतिक कार्य सारे हो रहे हैं, तो हमारे एग्जाम्स के रिजल्ट क्यों देरी से आ रहे हैं? आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन एग्जाम्स का पता नहीं। एग्जाम्स करवा रहे हैं, रिजल्ट का पता नहीं। जो जो एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हैं उसका अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। शिक्षक की भर्ती देख लीजिए, एसएससी सीजीएल देख लीजिए, एसएससी एमटीएस देख लीजिए, और एनटीपीसी रेलवे के बच्चे का हाल देख लीजिए। आपके 400 रुपये वापस करने से हम आपके यहाँ जमा नहीं किए थे कि हमें आप 400 रुपये वापस कीजिए? जो हमारा समय बीतता है, आज हमारा 2 घंटे का समय बीता, क्या उसको आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो सारे लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें ताकि यह मोदी तक बात पहुंच सके। जो भी हमारी केंद्र सरकारें हैं उनकी पेमेंट तो नहीं रोकी जा रही है कोरोना लॉकडाउन के समय में, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जो हम मध्यम वर्ग से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनका क्या होगा? उनके भविष्य का आपने सोचा है क्या होगा? 3-3, 4-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट का कुछ नहीं पता, न ज्वाइनिंग डेट पता है, न तो एग्जाम डेट पता है, ऐसे कैसे चलेगा? तो सभी लोग सामने आए। इस समय जितनी भी मीडिया है, सब जी न्यूज चैनल है या टीवी है, कुछ भी चैनल है, आप उसको मत फॉलो कीजिए, मत देखिए, बंद करवा दीजिए सब, किसी का कोई मतलब नहीं है। जब हमारे युवा ही बेरोजगार रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, और शिक्षा होने के बावजूद हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, 3-3, 4-4 साल के बाद रिजल्ट आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग चुप हैं। तो अपने नहीं सही तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोग एक साथ आ जाइए ताकि हम इस मुहिम को लास्ट तक चला सकें, और 17 सितंबर को हम एक दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे।